नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सीमा हैदर का विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसन मिथिलेश भाटी सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में आने लगी। मिथिलेश भाटी का एक डायलॉग सोशल मीडिया पर अब तरह तरह के डायलॉग्स को जनरेट कर रहा है। मिथिलेश भाटी का एक डायलॉग सचिन मीणा के लिए मुसीबत बन गया है। लोग सचिन को इस डायलॉग से मजाक बना रहे हैं, चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं मिथिलेश भाटी का कई जगहों पर इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यूज में सीमा और मिथिलेश भाटी को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आमने सामने के नाम पर दोनों के विवाद को इतना उछाला जा रहा है कि इससे दर्शकों का मनोरंजन हो सके। लेकिन अभी इसी में अब गुलाम हैदर ने भी अपना तड़का डाल दिया है। जी हाँ, गुलाम हैदर, जिसको मिथिलेश भाटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। गुलाम हैदर, जो कि मिथिलेश भाटी को जानता तक नहीं है, गुलाम हैदर ने अब मिथिलेश भाटी का समर्थन किया है। दरअसल ये पूरा मामला इस वजह से उठ रहा है क्योंकि गुलाम हैदर की लगातार अपडेट सामने आ रही हैं। हाल में ही गुलाम ने कहा कि सीमा हैदर को सजा मिलनी चाहिए, सीमा को फंदे पर लटकाना ही अब उसकी जिंदगी का आखिरी मकसद हो चुका है, अपने बच्चों को वो वापस चाहता है। इसी बीच में एक यूट्यूबर ने उनसे सवाल पूछा और उस पर कहा कि मिथिलेश भाटी नाम की एक महिला सचिन मीणा को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में आ रही है, जो कुछ भी उन्होंने बोला अपने डायलॉग्स को लेकर के। ऐसे में गुलाम हैदर ने कहा कि मिथिलेश भाटी ने जो कुछ भी कहा है वो सही है, वो मेरी बहन है और मैं ना तो उन्हें जानता हूँ ना तो वो मुझे जानती है, लेकिन जो कुछ भी शब्द इस्तेमाल मिथिलेश भाटी ने सचिन के लिए किए हैं वो बिल्कुल सही है और आखिर सचिन में ऐसा है ही क्या। साथ ही सीमा पर तंज कसते हुए कहा कि सीमा को तो सजा मिलनी चाहिए और सीमा अब किसी लायक नहीं है। इस तरीके की बात गुलाम हैदर ने कही है। अब गुलाम हैदर की माने तो मिथिलेश भाटी बहन हो गई और वो लोग जो सीमा का समर्थन कर रहे हैं, जो सीमा को अपना चुके हैं, वो उनके दुश्मन हो गए। गुलाम हैदर ने यहाँ मिथिलेश भाटी का समर्थन केवल इसीलिए किया है क्योंकि वो सचिन के खिलाफ बोल रही हैं। अब सचिन के खिलाफ बोलने वाली सीमा हैदर को लेकर के काफी विवाद चल रहा है। मिथिलेश भाटी और सीमा हैदर की लड़ाई अब जग जाहिर है और ये लड़ाई कानूनी दाव पेच तक आ चुकी है। कानूनी दाव पेच तक आने के बीच में भी गुलाम हैदर ने कहा है, कि ये सब जो साजिश है वो वकील एपी सिंह की है। गुलाम हैदर ने साफ कहा कि वकील एपी सिंह ऐसा सब कुछ करवाने के लिए दबाव डाल रहा है ताकि आगे आने वाले समय में सीमा हैदर को लोग अपना सके, समर्थन कर सके। हाल में ही एक ऐसी वीडियो भी सामने आई थी, ये वीडियो तीज की भी थी और साथ ही जब चंद्रयान अपने मंजिल पर पहुंचने वाला था और सीमा हैदर उस वक्त व्रत रख रही थी, उस वक्त की भी वीडियो है। दोनों ही वीडियो में देखा जा सकता है कि सीमा हैदर हिंदी में कुछ शब्द पढ़ रही है। ऐसा सिर्फ एपी सिंह केवल इस वजह से करवा रहे हैं ताकि सीमा हैदर की छवि लोगों के दिलों में अच्छी बनाई जा सके, ताकि ये केस और भी जल्दी खत्म हो और साथ ही सीमा हैदर को नागरिकता मिल सके। गुलाम हैदर का जो ये आरोप है कहीं ना कहीं इस मामले में एपी सिंह से तो मिलता जुलता नजर आ रहा है। हालांकि बता दें गुलाम हैदर अब और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है। देखना ये है कि अब आगे गुलाम हैदर अपने बच्चों को पाने के लिए कौन से अथक प्रयास करता है, कौन सी कोशिशें करता है और इसमें क्या भारतीय सरकार उसका साथ देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।